हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड। चलो, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। ग्रेट। तो चलो, अब बुक निकाल के बैठ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जब सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है, जब दो सॉलिड को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनता है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे, याद है? गुड। चलो, वही एग्जांपल्स हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज के बेस में। ठीक है, तो अपनी कॉपीज निकाल ली। चलो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उसमें क्या है, दो क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको एक ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है। क्या बनाया है? क्यूबॉइड। सो हमको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, चलो। उप्स, वायर अभी कहाँ छुप जाता है? चलो इधर आ जाओ वायर बेटा। टन 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 टन। चलो, नाउ ये है एग्जांपल फर्स्ट। सो व्हाट डज इट सेज? नाउ लेट एल बी लेंथ ऑफ क्यूब। ओके, एल बी द लेंथ ऑफ द क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एल क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, बट व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। 64 इज इक्वल टू एल क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। देयरफॉर 4 क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या आएगा? एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ग्रेट। नाउ हमको फाइंड करना है क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड का एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इनटू एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच। ग्रेट। यही एक्सरसाइज से हम कुछ यही, अब देखो दो क्यूब है, देखो इस टाइप के, ये फर्स्ट क्यूब और ये सेकेंड क्यूब। ओके, जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस एल। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना? दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो टोटल लेंथ विल बी 8 प्लस 8, सॉरी 4 प्लस 4। एंड ब्रेथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विल बी सेम। क्या होगी ये? 4 सेंटीमीटर होगी। ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो भी होगी 4 सेंटीमीटर। ग्रेट, अंडरस्टैंड? नाउ हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच, एल इंटू बी इसमें एल प्लस बी, बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। ग्रेट, एल बी 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 8, सो 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ एंड हाइट इज 4 एंड 4, सो 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस एल इज 4 इंटू 8। ओके, नाउ 8 फोर 32, 32 टू 64 प्लस 4 फोर 16, 16 टू 32 प्लस 4 एक 32, 32 टू 64, 64 64 64 128 128 32 will be 1 so kitna answer aega 6 and 6 12 and 3 15 6 and 6 12 12 and 3 15 4 and 2 8 160 centimeter square। This will be the final answer। कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
ठीक है चलो लिख डालो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू, चलो एग्जांपल नंबर टू। नाउ एग्जांपल नंबर टू का क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक वेसल है जिसके एक वेसल है जो सिलिंड्रिकल के शेप में है और उसके नीचे हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। ओके नाउ इट इज गिवन, टोटल हाइट उसकी दी हुई है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज। मतलब ये क्या है, एक कट, वो जो बाउल होता है बाउल के ऊपर पाइप है, ये बाउल है वो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर है। हमको क्या फाइंड करना है? द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ द गिवन डायमीटर सेकेंड डायमीटर इज गिवन 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना होगा? इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन टू इज इक्वल्स टू 14 अपॉन टू दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज गिवन? टोटल हाइट इज गिवन। टोटल हाइट, टोटल हाइट कैसे फाइंड होगी? देखो ये यहां से सिलेंडर होगा, मतलब सिलिंड्रिकल की हाइट प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सो टोटल हाइट कैसे मिलेंगी? सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट प्लस बेस पोर्शन की हाइट। सिलिंड्रिकल की हाइट होती है स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट होती है और बेस पोर्शन है रेड हेमिस्फीयर, तो उसका होगा रेडियस। सो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, आर की वैल्यू 7 आ गई, तो ये 7 को हम लोग एनएचएस में लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, तो 13 माइनस 7 कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। मतलब हमको हाइट भी मिल गई। अब कितने शेप है यहाँ पे? सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो हमको क्या फाइंड करना है? उसका इनर सरफेस एरिया। नाउ इनर सरफेस एरिया, अब फॉर्मूला क्या है? इनर सरफेस एरिया मतलब सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया। मतलब हम लोग मैथ लिखेंगे किसे? सीएसए ऑफ द सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीएसए ऑफ द सिलेंडर? 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? सीएस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2πr2। दोनों में से 2πr कॉमन निकालो तो क्या होगा? एच प्लस आर। अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है? व्हाट इज द रेडियस? 7 इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 13। एच प्लस आर यानी ये हो गई ये पोर्शन एच और ये आर 13। So, देखो 7 कट 22 इंटू जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट गॉट आंसर? ग्रेट, लिख डालो। चलो 5 4 3 2 1 नेक्स्ट, रीड द एग्जाम्पल नंबर 3 स्टेटमेंट। रीड द एग्जाम्पल नंबर स्टेटमेंट नंबर 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 में ऐसा है कि एक टॉय है, एक शेप है हमारे पास जो शेप ऊपर कोण है और नीचे हेमिस्फीयर है। सो किस टाइप का शेप होगा? मे बी लाइक दिस, ये हो गया कोण और ये हो गया हेमिस्फीयर। ये हो गया कौन? ये हो गया हेमिस्फीयर। ओके नाउ व्हाट इज गिवन? द टोटल हाइट ऑफ द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर वेयर इज द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय? ये एग्जांपल नंबर 3। अभी एक्सरसाइज में से हटा देता हूं, थोड़ा एग्जांपल यहां पे लिख लेंगे। लेट आर एंड एच बी रेडियस ऑफ रेडियस एंड स्ट्रेट हाइट। अब देखो मैंने वंस अगेन स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि कोन की दो हाइट होती है, एक होती है स्ट्रेट हाइट और एक होती है स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टेढ़ी है।
एंड 8h बी द स्ट्रेट हाइट, स्ट्रेट हाइट h से रिप्रेजेंट होती है और स्लेंट हाइट l से. नाउ व्हाट इज गिवन, रेडियस हमको दिया हुआ है, कितना है रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. एंड h फाइंड करना है हमको, h यानी कोन की ये वाली हाइट, राइट, ये वाली जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ना उसको हम लोग एच करते हैं, वो फाइंड करनी है. आप कैसे फाइंड करेंगे एच, देखो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट इज गिवन 15.5 सेंटीमीटर. उसमें से ये वाला पोर्शन है हेमिस्फेरिकल की हाइट, हेमिस्फेरिकल की हाइट और हेमिस्फेरिकल का रेडियस सेम होता है. तो अगर मेरे को टोटल हाइट फाइंड करनी है तो हमें को सपोज कोन की स्ट्रेट हाइट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हाइट माइनस हेमिस्फेरिकल का रेडियस, दैट इज टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो एच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. ग्रेट, सो टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर. ओके नाउ अब तो हमको मिल गया, अभी कोन का फॉर्मूला क्या है, कोन जब भी कोन का एग्जांपल आए तो हमको स्ट्रेट हाइट पहले हमको स्लैंट हाइट चाहिए एल. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कितना है, एच है आप ये 12, so 12 square plus h 3.5 square, so 12 का square होता है 144 और ये 3.5 का square होता है 3 4 12 12.25, तो कितना आएगा 156.25. अब ये किसका square है, ये square हम लोग find करेंगे 12.5 का the whole square, therefore l कितना आएगा, अब l square is equals to 12.5 square, ये दिख रहा है ना 12.5 नीचे, देखो ये नीचे screen में होगा, तो दोनों से स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर. मिल गया हमको स्ट्रेट हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस. नाउ हमको फाइंड क्या करना है, टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ द टॉय, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. सो हाउ विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस ऑफ द कोन प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके सो हाउ विल वी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. हां नेक्स्ट पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस रेडियस यहां पे है ये रहा कितना है 3.5, सो 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 35/10 * हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है हमको 125/10 प्लस ये एक पोर्शन हो गया 2 पाई कितना है 22/7 और आर कितना है यार 35, आर की वैल्यू है 3.5, सो 3.5 यानी 35/10, सो 35/10 35/10 ग्रेट. अब देखो 7 1 5 35 5 1 5 2 10 2 1 2 11. So, 11 into 125 की वैल्यू आती है 1375 upon 10 प्लस अब यही कटिंग होगा, देखो 7 1 5 5 1 5 2 2 1 2 1, तो 22 into 35 की वैल्यू आती है 770/10. सो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1375, देखो एलसीएम सेम तो न्यूमेरेटर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1375 प्लस 770/10, सो इन दोनों का प्लस करेंगे तो 2145/10, सो 2145 को डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 214.5 cm square. सो द रेडियस ऑफ द टॉय विल बी 21, अच्छा नहीं दिख रहा है 214.5 स्क्वायर. ग्रेट, चलो लिख डालो.
चलो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ और फिफ्थ हम लोग कल करेंगे. ग्रेट. चलो एग्जाम्पल नंबर सिक्स पे आ जाओ. एग्जाम्पल नंबर सिक्स. चलो क्वेश्चन पढ़ो. एग्जाम्पल नंबर सिक्स. सॉरी ये हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ था. फोर्थ और फिफ्थ हम लोग कल करने वाले हैं. हम लोग एग्जाम्पल नंबर सिक्स पे आ रहे हैं. What does the example number six says? इसको भी यहां से हटा देता हूं. क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर सिक्स? चलो पढ़ो पढ़ो. What does it? एग्जाम्पल नंबर सिक्स में क्या है? हमारे पास एक छोटा सा एक शेप है जो दो हेमिस्फीयर है और बीच में सिलिंड्रिकल है. जस्ट मीन्स इस टाइप का शेप है. दिस इज द सिलेंडर और यहां पे दो हेमिस्फीयर है. ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. तो ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? सिक्स. नाउ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है 5 mm. कितना आएगा? 5 mm. ओके. ये डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल का और टोटल लेंथ दी हुई है. टोटल लेंथ हमको दी हुई है कितनी है? 14 mm है. देखो कितनी है? 14 mm. सो टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इज 14 mm. ठीक है. ये टोटल लेंथ 14 है. तो अब सिलिंड्रिकल पोर्शन आता है. तो सिलिंड्रिकल पोर्शन की हम लोग को लेंथ. देखो सिलिंड्रिकल, अब लेंथ और हाइट सेम होता है. जब सिलेंडर वर्टिकल से रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है ना, तो उसकी लेंथ होती है वो हाइट. अगर वो वर्टिकल में होगा तो उसकी हाइट होगी. ठीक है. चलो सो टोटल हाइट है 14, टोटल लेंथ 14 है. इसमें से ये दोनों डायमीटर को निकालेंगे तो हमको सिलिंड्रिकल की लेंथ मिल जाएगी. देयरफॉर लेंथ, थैंक यू, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 into r. कैसे फाइंड करना है? टोटल लेंथ माइनस दोनों हेमिस्फीयर के रेडियस. अगर टोटल लेंथ में से दोनों जो हेमिस्फीयर है उसके रेडियस हमको हम लोग माइनस करेंगे तो हमको लेंथ, हमको हाइट मिल जाएगी सिलेंडर. तो कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज टोटल लेंथ माइनस 2 into radius. Twice the radius. Great. So total length कितनी है? 14 minus 2 in radius कितना? देखो diameter है 5. So radius कितना होगा? 5 by 2 into कितना होगा? 2 into 5 by 2. खच कितना मिलेगा? 9 mm. Okay? अब ये object को यहाँ से हटा देता हूँ. हमको जो data चाहिए था वो मिल गया. Now टोटल लेंथ रेडियस कितना होगा हमको यहाँ? रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5/2 mm. कूल. ये हो गया 5/2. अब हमको फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया. क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया. तो कितने शेप है? दो हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर है. मतलब देखो ये एक सिलेंडर, वन हेमिस्फीयर ऑन द लेफ्ट, सॉरी वन हेमिस्फीयर ऑन द राइट एंड अदर हेमिस्फीयर ऑन द लेफ्ट. तो तीन ऑब्जेक्ट होंगे. सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 2 into 2x द सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस 2x द सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. है ना? ये 2 क्यों लिखा? पता चला मैंने 2 क्यों लिखा कि दोनों हेमिस्फीयर है, जो दोनों एंड में हेमिस्फीयर है वो दोनों आइडेंटिकल है. चलो आप सब फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे. इज इक्वल्स टू 2 into व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द CA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर? 2πr² प्लस CS ऑफ द सिलेंडर 2πrh. 2 into 2, 4 pi r square plus 2πrh. Wait, अब सब वैल्यू रखेंगे. 2 पाई की वैल्यू है 22/7. रेडियस कितना है? 5/2 into 5/2. ओ यहां से करेंगे 4 into
22 अपॉन 7 इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, पाई क्या है 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस पाई बाय 2 इंटू हाइट, ओके इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा, इंटू 9, ये 9 दिख रहा है ना, ग्रेट। अब कटिंग 2 2 गया 4, ये 2 गया, सो कितना आएगा 22 इंटू 5 110, कुछ मल्टीप्लाई अब देखो दोनों में से 22 अपॉन 7 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 25 प्लस यहां क्या बचेगा 54 फाइनल है 45, सो 25 इंटू 25 प्लस 45, मैं अभी डोंट वरी मैं जो लाइन है उसको हाईलाइट कर दूंगा रेड से, 25 प्लस 45 कितना होता है 70, सो 22 अपॉन 7 इंटू 70, 7 वन जा 7 10 जा रेडी, 22 इंटू 10 220 यूनिट mm स्क्वायर, सो टोटल एरिया ऑफ द टॉय विल बी 220 mm स्क्वायर। वेट मैं रेड लाइन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि डिफरेंस पता चले क्या कौन सा कट हो रहा है, ठीक है गुड। चलो अब लिख डालो, हो गया। सो आज की क्लास आज यहां खत्म हो रही है, ओके आज की क्लास हम लोग यहां पे एग्जांपल खत्म हो गया है, 1 2 3 6 किया है, बाकी के हम लोग एग्जाम्पल्स मे बी 1 2 3 6 यानी 4 5 7 8 9 ये 5 एग्जाम्पल हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ग्रेट, आई होप कंप्लीटली अंडरस्टैंड आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।